सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। तो मैक्रोनी बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो यहाँ हमने ली है 200 ग्राम मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी लिया हमने। यहाँ हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम मैक्रोनी बॉयल कर लेंगे। मैक्रोनी बॉयल करने के लिए यहाँ हमने एक पतीले में पानी डाल लिया है, एक जग। तो हम फ्लेम ऑन करेंगे, जैसे ही इसे जोश आने लगेगा फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम बचा कर रखेंगे। जब हम इसे बॉईल कर लेंगे तो फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे, इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे, 10 मिनट में कुक हो जाएगी। इसे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे उतार लेंगे। मैक्रोनी हमने बॉईल करके निकाल ली है और 1 टीस्पून हमने उस पर ऑयल डाल दिया था। और यहाँ हमने बंद गोभी ली है, साथ में हमने एक अदद शिमला मिर्च लिए, 2 अदद हमने हरी प्याज लिए, उसे हमने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून हमने वाइट पेपर लिया है और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक और साथ में 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके नीचे हम फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और फ्लेम हमने हाई रखना है। यहाँ हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे, साथ में हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और साथ में हम इसके प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। इन्हें हमने हाई फ्लेम पर 1 मिनट पकाना है। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हैं आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें वाइट पेपर और नमक ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने वेजिटेबल्स फ्राई करके निकाल ली थी और अब हम मैक्रोनी के लिए चिकन तैयार करेंगे। यहाँ हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। यहाँ हमने 200 ग्राम चिकन लिया है, इसको हमने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। यहाँ हमने टमाटो प्यूरी लिए, 2 टमाटर आप ले लें उसकी प्यूरी बना लें। 1 टीस्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे, इसमें 1 टीस्पून हम सिरका ऐड करेंगे और स्पाइसेस जो हम इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वाइट पेपर लेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें। हाँ, हमने कढ़ाई ली है, इसके नीचे हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे हमने थोड़ा सा सोते करना है और फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने इसमें ऐड कर लिया है, जैसे ही चिकन का कलर चेंज होता है हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है और सोया सॉस भी नमकीन होता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे।
1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम हम स्लो करके इसे ढककर रख देंगे। तो फाइनली इसे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ चिकन बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने चिकन बनाकर निकाल लिया है और हम यहाँ मैक्रोनी को करेंगे थोड़ा सा फ्राई। तो यहाँ हमने मैक्रोनी बॉईल करके निकाल ली थी, यहाँ हमने मैक्रोनी ली है। 2 हमने हरी प्याज ली हैं, उन्हें हमने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस लेंगे और 1/2 टीस्पून हम चिकन पाउडर लेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे, मैक्रोनी हमने इसमें ऐड कर दी है। हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, चिकन पाउडर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हरी प्याज ऐड कर देंगे और फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ हम डिश में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इनको हम ऐसे फैला लेंगे, हमने इन्हें फैला लिया है। अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे और हम बीच में स्पेस बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये हमारी मैक्रोनी की फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको हमारी तमाम तरह रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा दिया करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखें, अपनी इज्जत मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।